वैक्न्स कौन कौन सी बीमारियों से आपके बच्चे को महफूज रखती हैं देखिए अ रेज ऑफ दैम मैं सारी नेम नहीं करूँगी लेकिन जो बहुत ज़रूरी हैं वो हैं टी बी चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मीजल्स मामसरबेला नमोनिया मेनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी टेटनिस और बहुत सारी और बीमारियाँ भी हैं जो आपके बच्चे को इस चीज़ से महफूज लगाती है इवन मोस्ट कॉमनली जो गैस्ट्रो इन्फेक्शन बच्चों में होते हैं वो रोटा वायरस के थ्रू होते हैं उससे भी वैक्सीनेशन बचाती है अलमेकम जी आई एम डॉक्टर निर्दा बदर पीडियाट्रिशन न्यूरोटॉलोजिस्ट मैं बच्चों जीरो से लेकर एटीन ईयर्स तक डील करती हूँ मैं नैशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ एमरजेंसी फिजिशियन हूँ उधर की एंड ऑल्सो मेरा प्राइवेट कनेक्ट है मॉल्टाउन में नेम एस स्टॉट सन्डीत आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन बेबीज़ में और क्यों आपको अपने बच्चों की वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए छोटा सा मैं ब्रीफ़ आपको बताऊँगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही लाइफ सेविंग चीज़ है जो आपको और आपके बच्चों को रूटीनली लगनी चाहिए डोज मिस करने से बच्चों को वो वो बीमारियाँ हो सकती हैं जो समटाइम्स उनकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती है और हम अन उनकी डेथ भी देख सकते हैं तो इसलिए अपनी बच्चों की वैक्सीनेशन कार्ड्स को चेक रखें रूटीनली अपने डॉक्टर के पास उनको चेक करवाएं और डोज मिस करने की कोशिश ना कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन्स क्या हैं वैक्सीन्स आर सब्सटेंस जो पुरानी इन्फेक्शन से या अनपोर्टेंट इन्फेक्शन से बनाई जाती हैं जिसको बॉडी में इंट्रोडक्शन कराई जाती है, है ताकि बॉडी उस इन्फेक्शन को फ़ाइट कर सके तो वैक्सीन कोर्स जैसे मैंने पहले बताया था बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है जो बेबीज़ होते हैं उसमें कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती है तो वो इम्यूनिटी यूजली वैक्सीन्स को हम बॉडी में डालते हैं बॉडी उनसे लड़ना सीखती है तो बच्चे में इम्यूनिटी बनती है वरना जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो ऐसे होता है जैसे वाइट पेपर होता है उस पर इतना गन लग सकता है इतना वो डर्टी हो सकता है इतना इन्फेक्टेड हो सकता है अगर वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी उसकी नहीं बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों लगवानी चाहिए जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चों में कोई इम्यूनिटी नहीं होती है उनको इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें चीज़ों से थोड़ा थोड़ा ट्राई करवाना पड़ता है सबसे पहले वैक्सीनेशनस होती हैं जो अगर ना लगी हों तो बच्चे को अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इन्फेक्शन से उनकी डेथ भी हो सकती है क्या वैक्सीन लगवाना बच्चे के लिए महफूज है ऑफकोर्स हंड्रेड परसेंट है हम कोई भी ऐसी चीज़ आपके बच्चे को नहीं देंगे या ख़ुद भी नहीं लगवाना चाहेंगे जो हमारे लिए महफूज ना हो वैक्सीनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं समटाइम्स मल्टीपल ईयर्स की ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद वो फिर लॉन्च की जाती हैं और एक सेफ़ इन्वायरमेंट में आपके बच्चे के लिए होती है कोई भी वैक्सीन आपके बच्चे के लिए ख़ुदा ना खास्ता हार्मफुल नहीं हो सकती है अगर वो प्रॉपर एज के अकॉर्डिंगली चार्ट फॉलो करके उनको दी जाए ज़रूर ये चेक करना चाहिए कि जो आप वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने बच्चों को वो सही टेम्परेचर पर स्टोर हो पुरानी ना हो और अच्छी क्वालिटी की हो ये तीन चीज़ें अगर हैं आपके पास और कोई ट्रस्टेड बंदा लगा रहा है तो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों से आपके बच्चे को महफूज रखती हैं देखिए अ ऑफ दैम मैं सारी नेम नहीं करूँगी लेकिन जो बहुत ज़रूरी हैं वो हैं टी बी चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मीजल्स मामसूबेला नमोनिया मैनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार ए हेपेटाइटिस बी टैटनिस और बहुत सारी और बीमारियाँ भी हैं जो आपके बच्चे को इस चीज़ से महफूज लगाती है इवन मोस्ट कॉमनली जो गैस्ट्रो इन्फेक्शन बच्चों में होते हैं वो रोटा वायरस के थ्रू होते हैं उससे भी वैक्सीनेशन बचाती है अगर आप अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उससे क्या नतज हो सकते हैं देखिए ऑब्वियसली डाउनफॉल ये है कि बच्चे को खुदा ना खास्ता वैसी बीमारी लग सकती है जो उसकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती है एंड क्योंकि बच्चों की हर चीज़ छोटी होती है दे आर अंडर डिवलपिंग स्टेजेस देर इज़ ओनली सर्न मेडिकेशन जो हम उनको दे सकते हैं इस वजह से काफ़ी बच्चों की अनटाइमली डेथ एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सेहत उनकी ख़राब हो जाती है वैक्सीनेशन का ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपका बच्चा हेल्दी रहता है जब वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं तो वो बार बार बीमार होते हैं बार बार एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है और उससे उनकी ग्रोथ वेट और हाइट भी रुक जाती है बच्चों को वैक्सीन लगवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली होता है वो ये होता है कि इंजेक्शन शाइट रिएक्शन होता है मीनिंग वे एवर वी गिव द इंजेक्शन दे कैन हैव रेडनेस स्वेलिंग एंड पेन बट दैट इज़ यूजली काउंटर एक्टेड बाई गिविंग पैनाडोल या ब्रूफिन बिफोर द शॉट एंड समटाइम्स एट आवरली आफ्टर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बिसाइड्स दैट इज़ फीवर देखिए फीवर से पेरेंट्स डरते बहुत हैं लेकिन मैं आपको एज ए डॉक्टर बता सकती हूँ कि फीवर होना वैक्सीनेशन के बाद बहुत अच्छा साइन है दैट मीन्स की इम्यूनिटी बहुत जल्दी और स्ट्रांगली बन रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी जिस जिसको बुखार हुआ था उसकी इम्यूनिटी बेहतर थी जिसको नहीं हुआ था उसकी इम्यूनिटी कम थी सिमिलर गोस फॉर यर चाइल्ड वैक्सीनेशन तो बुखार एंड इंजेक्शन टाइट रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन बच्चों को वैक्सीन के लिए किस डॉक्टर से रबता करना चाहिए ऑफ कोर्स मेरे पास आना चाहिए आपको या कोई भी पीडियट्रिशन हो जो आपका ट्रस्टेड डॉक्टर हो या फैमिली डॉक्टर हो जिसके पास अच्छी क्वांटिटी, क्वालिटी और टेम्परेचर कंट्रोल में वैक्सीनेशन पड़ी हो अगर आप भी अपनी बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक सोच रहे हैं तो सोचें मत जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास या मेरे पास लेके कर आएँ उनको चिकन पॉक्स मीजल्स बम्स रुबैला खसरा गर्दन तोड़ बुखार ऐसी बीमारी से बचाने के लिए जल्दी रब्ता करें आप मेरे से राबा कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे या हेल्थवायर डॉट पी के पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाएं